दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल राजभवन पहुंची और वहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। मालीवाल ने कहा कि भाजपा कुलदीप सेंगर को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। स्वाति मालीवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश पांडे ने। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज लखनऊ पहुंची और लखनऊ में राजभवन पहुंचकर नव नियुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की। दरअसल हम जानेंगे कि मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। मैम, किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई? मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है और इसी कारण से मैं आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी के गवर्नर हैं, उनसे मिली हूँ। और वो मुद्दा ये है कि उन्नाव में की एक गैंगरेप पीड़िता आज लखनऊ में दम तोड़ रही है, सिसक सिसक के मर रही है, उसका वकील भी उसके साथ मर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों की तरफ से बिल्कुल पूरी तरीके से चुप्पी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। इस लड़की को तुरंत एयरलिफ्ट करा के दिल्ली लेके जाने की ज़रूरत है और आज ना तो उसको एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, ना ही उसका हेल्थ बुलेटिन सामने सरकार लेकर आ रही है। एक बिल्कुल चुप्पी मेंटेन कर रखी है, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। लड़की का जो रेपिस्ट है और जो उसका कातिल है, वो आदमी अभी भी विधायक है, भाजपा में अभी भी उसकी मेंबरशिप बरकरार है, तो चल क्या रहा है। मैंने इनसे अपील करी है कि ये दोनों इसको हर हाल में विधायक की पद से हटाइए और साथ ही भाजपा की जो मेंबरशिप है वो भी हटाइए। इतने दिन हो गए योगी आदित्यनाथ जी उसको मिलने तक नहीं गए, और मिलना तो छोड़ दीजिए, कम से कम मुआवजा तो फिक्स करिए, मुआवजा तक लड़की को नहीं दिया गया, तो ये चल क्या रहा है, कौन से गुंडों की सरकार है। मैंने इनसे अपील करी है यूपी की गवर्नर से कि वो एक्शन लें और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो लेंगी। मैम, पीड़िता शुरुआती दौर से ही पत्र लिख रही है, लगातार कई पत्र लिखे गए, यहाँ तक कि सीजीआई तक को उसने पत्र लिखा, लेकिन क्या लगता है कि शुरुआती दौर से ही उत्तर प्रदेश सरकार के जो कानून व्यवस्था है उसको उसने ध्यान नहीं दिया है और पीड़िता लगातार अपने न्याय की गुहार लगाती रही है लेकिन आज तक नहीं सुनी गई उसकी न्याय, और अब जिस तरह से वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को आप किस नजर से देखती हैं? मेरे हिसाब से यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, और जो प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम लॉन्च करी है वो यूपी में तो पूरी तरीके से फेल है, और लखनऊ में उसकी जो विक्टिम है वो साफ दिखा रही है कि कौन सी बेटी बचाओ और कौन सी बेटी पढ़ाओ। पिछले एक साल से 33 पत्र लिख चुकी है, अलग अलग अथॉरिटीज को पत्र लिख चुकी है कि उसकी जान को खतरा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस दिन उसे मारा जाता है उस दिन जो पुलिस उसको दी जाती है वो भी गायब हो जाती है, सिक्योरिटी वाली पुलिस भी गायब हो जाती है, और बताते हैं सिक्योरिटी वाली पुलिस ही कुलदीप सेंगर के साथ मिली हुई, और क्यों नहीं मिली हुई होगी। एट द एंड ऑफ द डे पुलिस का बॉस तो भाजपा का ये विधायक ही है, क्योंकि यही हमारे देश का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे समय में जब तक इस विधायक की विधायकी नहीं जाती तब तक तो ये गुंडा ही है, तब तक तो ये बाहुबली ही है। और इन लोगों की क्या मजबूरी है, क्या भाजपा की मजबूरी है, क्या यूपी सरकार की मजबूरी है कि इस आदमी को विधायक पद से नहीं हटाते, ये तो यही जाने। मैंने अपील करी है गवर्नर से, मुझे आशा है कि जल्द से जल्द वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। आखिरी सवाल मैम, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है पीड़िता का, वो ट्रक समाजवादी पार्टी का नेता बताया जाता है, उस जो ट्रक का मालिक है, इसको किस नजर से आप देखती हैं? मुझे बताया जा रहा है कि कुलदीप सेंगर पहले बसपा में थे, फिर सपा में चले गए, और फिर अब वो भाजपा में आ गए, तो ये तो सभी जगह रहकर आ चुके हैं। तो अगर ये सपा का जो लीडर इन्वॉल्व है तो बिल्कुल इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इनके तो पुराने लिंक्स हैं। तो ये तो यहाँ का बाहुबली आदमी है, जिसको एक गुंडा है, क्रिमिनल है, जिसके पूरा का पूरा सिस्टम उसके इशारों पे नाच रहा है, और इतना नाच रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद पूरे देश की आंखें आज उन्नाव और लखनऊ पे होने के बावजूद कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे, टॉप बीजेपी लीडरशिप कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे यूपी सरकार में यूपी के चीफ मिनिस्टर जाके लड़की से नहीं मिल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा बाहुबली आदमी है, और बिल्कुल मैं कहूंगी कि हर प्रकार के पॉलिटिशियन, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, सबका इस केस में इन्वॉल्वमेंट देखा जाना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और पीड़िता के पक्ष में न्याय की गुहार भी लगाई। और इतना ही नहीं, जिस तरह जो आरोपित, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं विधायक कुलदीप सेंगर को, और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिस तरह से मोदी मिशन चल रहा है वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में निराधार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मानस के साथ योगेश पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो बिल्कुल, दिल्ली आयोग की महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भाजपा पर कुलदीप सेंगर को सपोर्ट करने का आरोप लगाया, और इस वक्त हमारे संवाददाता योगेश पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि भाजपा कुलदीप सेंगर को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, देखिए राखी, आपको बता दें कि आज दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं
वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नवनियुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात किया और उनके जो प्रमुख सवाल थे रहे हैं इस दौरान उनके ये थे कि उन्नाव पीड़िता से अब तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिले और उनको उन्नाव पीड़िता को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। दूसरी बात उनका ये रही कि विधायक जो है वो अभी सेंगर जो है कुलदेशी सेंगर वो अभी तक विधायक क्यों है, उसकी विधायक की सदस्यता क्यों नहीं निरस्त कर दी गई है। तीसरी बात जो उनकी रही वो यूपी मंत्री के क्योंकि दामाद हैं एक अरुण तो उनको गिरफ्तार हालांकि अब हो गई है गिरफ्तारी उनके उनके ऊपर FIR हो गया है। केसेस कंप्लेंट पीड़िता के देने के बावजूद सुरक्षा कड़ी नहीं, SP एंड PSO निलंबित क्यों नहीं किए गए और दिल्ली में इलाज क्यों नहीं कराया गया, ये मुद्दों को लेकर के आज स्वाति मालीवाल जो है आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और उनकी ये प्रमुख मांगे रही। उन्होंने कहा है कि महिला आयोग उनके साथ हमेशा साथ खड़ी है और दूसरी बात ये कि आखिर क्या लापरवाही क्यों लापरवाही की जा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो जो जिसके कथित अपराधी जो है उसके ऊपर उसका सपोर्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो आखिर क्या वजह है जो सपोर्ट कर रही है और क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यता खत्म कर दे रही है अपनी और विधायक किस भी सदस्यता का उन्हें खत्म करवा रही है। इसी सारे मुद्दों पर आज राज्यपाल से मुलाकात की है और न्याय की बात कही है कि पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। जी योगेश, अगर आज की बात करें तो खबरें ये है कि CBI आज CBI टीम वहां पर पहुंची है और जो पूछताछ है वो वहां पे कर रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें राखी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से जो फाइल गई है वो CBI के पास पहुंच चुकी है और CBI अब इस पर जांच करेगी। और हालांकि लोकल की जिस तरह से बात की जा रही है कि यहाँ से सचिव द्वारा कल ही साइन करा लिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फाइल पर और जिस तरह से फाइल करने के बाद अब ये फाइल आगे चली गई है और वहां पर CBI द्वारा अब जांच कराने की जो मांग की जा रही थी अब CBI ही जांच करेगी इसकी। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगाई है।